तो उन्हीं पार्वती से कह रहे हैं भगवान शंकर, वो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, वहां बुद्धि मत ले जाना। तो भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इसलिए उनको जानना भी असंभव। और जो भोले भाले लोग कहते हैं अपने गुरु जी से, एक बार दिखा दो बस, फिर हम साथ छोड़ के लग जाएंगे उसी में। पहले बेटा दे दो, उसके बाद ब्याह करेंगे। वाह! अरे अनंत बार आए हैं वो इसी संसार में, और आपके हृदय में तो बैठे ही है सदा। ये मैंने बार बार आपको बताया है वेदों के द्वारा, आपने देखा है, एक दो बार नहीं। हमसे सीनियर नहीं है भगवान, जब से भगवान तब से हम हैं, और वो हर युग में आते हैं, हम भी रहते हैं। देखा है मल्लानाम असंदरिंद्रनाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज पते विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रजा। कंस की सभा में जब श्री कृष्ण खड़े थे तो हम लोग भी गए थे। हम लोगों को खबर मिली थी कि एक छोटा सा लड़का, उसने कुबलिया पीड़ हाथी को मार दिया, बड़े बड़े पहलवानों को मार दिया, वो धनुष तोड़ने को भी खड़ा हो गया है। चलो देखेंगे, चमत्कारी है कोई हो। भगवान भगवान नहीं, चमत्कारी कोई लड़का है। और देखा हमने, अच्छा हमारे बेटे के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा अटैचमेंट है अपने बेटे में, दूसरे के बेटे में अटैचमेंट थोड़े होता है। जहां अटैचमेंट होता है वो प्यारा लगता है, इंपॉर्टेंट। जो महापुरुष थे, जिन्होंने पहले भगवत प्राप्ति कर रखी है, उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरे श्याम सुंदर ब्रह्म है। बस, और किसी ने नहीं देखा वास्तविक स्वरूप। अरे आपको आश्चर्य बतावे, विदूषण प्रभु विराटमय दिशा बहुमुख कर पद लोचन शीशा। आप संसार में किसी को देखेंगे या तो अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, और या तो कुरूप होगा, जो तो मुंह बिचका देंगे, और या तो नॉर्मल है, ठीक है, न कोई खास विश्व का सुंदर है और न कोई बुरा है, ठीक है बस। लेकिन यहां क्या हाल है, राम कृष्ण को देखने वाले जो राक्षस लोग हैं, उसमें एक कहता है हे इसके 8 सिर हैं, दूसरा कहता है बेवकूफ गिनना भी आता है 12 है,
तीसरा कहता है, तुम दोनों अंधे हो, 18 सिर है इनके।